अच्छा लग रहा है ना बघीरा, ये नजारा जंगल में और कहीं से नहीं दिखता। हाँ वो तो है, नदी का तो कहना ही क्या, कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ देखने में ही अच्छी लग रही है। इसी बात पर तैरने चलते हैं? नहीं तुम ही जाओ मोगली, तुम्हें तो पता है ना मुझे पानी से परेशानी होती है, मैं यही सही हूँ। थोड़ा भी सब्र नहीं होता। क्या करूँ शेर खान, भूख के मारे अतड़ियाँ सूख रही है। सबसे पहले बघीरा को भगाना होगा, मोगली का बॉडीगार्ड बना फिरता है। जो प्लान बनाया था उसे पूरा करते हैं। हाँ हाँ इस नेक काम में मैं आपका साथ दूंगा ना, पर मुझे बदले में इनाम मिलेगा ना शेर खान? मेरे खाने के बाद जो भी बचेगा वही तेरा इनाम होगा। पर अगर तूने काम नहीं किया तबाकी, तो समझ लेना मोगली की जगह मेरे पेट में जाएगा तू, क्योंकि मुझसे भी अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। आई बात समझ गई? मैं तो हूँ ही समझदार। देखो मैं तो नदी में जाऊंगा और बारिश भी होने वाली है तो साथ में नहाना भी हो जाएगा। बघीरा, मोगली, शुक्र है तुम दोनों यही मिल गए। तबाकी क्यों, क्या हुआ? हमारा दोस्त बलू बड़ी मुसीबत में है। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे शेर खान जल्दी चलो। जल्दी चलो बघीरा। रुको मोगली, इस गीदड़ पर भरोसा मत करो, जरूर इसकी जान है। चलो भी। पर अगर ये सच हुआ तो बलू को मदद की जरूरत है। तुम यही पेड़ पर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं अकेले वहाँ जल्दी पहुँचूंगा। पूरी जान लगा कर दौड़ना बघीरा। आओ मेरे साथ। मैं यहाँ रुका हूँ और बलू मेरा दोस्त वहाँ मुसीबत में होगा। उस शेर खान को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। तो तुम सच कह रहे थे हा? तो तुम्हें लगा मैं झूठा हूँ? अरे नहीं नहीं टबाकी, शेर खान कहाँ गया, तुमने उसे देखा? वो तो डर के भाग गया, मान गए तुम्हें बघीरा। किस तरफ गया? अपने इलाके की तरफ। चलो अब गया तो बात खत्म। मोगली कहाँ है? टेंशन मत लो बलो, मोगली सुरक्षित है, मैंने उसे एक पेड़ पर बिठाया था। सब कुछ हिल क्यों रहा है? मुझे अभी के अभी बलू के पास जाना होगा। ये मैं कहाँ पहुँच गया? मोगली वहाँ ऊपर बैठा था। ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बघीरा, ये तो प्रकृति का खेल है। अगर बेचारा मोगली यहाँ होता तो वो कहता। ये तो कमाल हो गया। इसमें मुझे तो कोई कमाल की बात नहीं लगती बघीरा। अरे नहीं, वो देखो वहाँ नदी में वो मोगली ही है ना। मोगली, वो जिंदा है। मोगली, मोगली। बलू, ऊपर एक पुल आ रहा है, मैं उस पर चढ़ने की कोशिश करूंगा। हाँ।
है शेर खान, और एक बात ध्यान रखना कि तुम पानी में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे अपना दोस्त बघीरा समझा है क्या? हम बाघों को तैरने में बड़ा मजा आता है। तो फिर आ जा, अब दिखाता हूँ तुझे। ये मेरे लिए एक तिनके के बराबर है इंसानी बच्चे। शेर खान और मगरमच्छ भी? मुझे उनकी फिक्र नहीं है बघीरा। क्या क्या कह रहे हो तुम? शायद मोगली को पता नहीं, आगे वो झरने से नीचे गिर जाएगा। मोगली फिर से भाग गया क्या? ओ ये तो हद ही हो गई। आग में घी डालने का काम मत कर तबाकी गीदड़, चल दफा हो जा। बचाओ! मैं उसे पकड़ लूंगा। ध्यान से बलू। आगे तो झरना है। मोगली, मेरा हाथ पकड़ लो। मैं पहुंच नहीं पा रहा। ओ, ये पेड़ ज्यादा देर नहीं टिकेगा, तुम्हें कूदना पड़ेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक दो, बचाओ बचाओ, टबाकी टबाकी मुसीबत में है। कूदो मोगली, इससे पहले कि देर हो जाए। तुम्हें कुछ नहीं होगा टबाकी। क्या मैं जिंदा हूँ? मोगली, तुमने मुझे बचाया। अच्छाई का पुतला इंसानी बच्चा, पर अब कैसे बचोगे बरखुरदार? चलो कूदो टबाकी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम कूद सकते हो टबाकी, कूदो। मोगली जल्दी। तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए थी, अब गई भैंस पानी में। तो आ जाओ, डरता नहीं हूँ तुमसे। पकड़ लिया। अब कुछ दिनों के लिए स्विमिंग से तौबा कर लोगे ना? तुम तो कांप रहे हो मोगली, ठंड लग रही है क्या? अरे नहीं, मैं उस शेर खान के बारे में सोच रहा हूँ। इस बार वो मुझे शिकार बनाने ही वाला था। मैं समझ सकता हूँ मोगली, आज तो उसकी मुझ पर भी नजर थी। अच्छा एक बात बताओ टबाकी, तुमने तो कहा था शेर खान अपने इलाके में वापस जा रहा था। हाँ, उसने हम सबको धोखा दिया। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया दोस्तों। वैसे हम गीदड़ों को पानी से नफरत है, पर जब मैंने मोगली को झरने की तरफ बहते देखा तो मैं उसे बचाने कूद पड़ा। पता है। और मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, पर पानी में तैरने के बाद भूख बहुत लगती है। वैसे एक बात तो अच्छी हो गई, कम से कम हमें उस शेर खान से छुटकारा मिल गया। उस झरने से गिरकर वो बचा नहीं होगा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। किस्मत ने तेरा साथ दिया इंसानी बच्चे, पर अगली बार वो मेरा साथ देगी। Thank you.
तुम मुझसे तेज कभी नहीं दौड़ सकते मोगली। अच्छा अभी दिखाता हूँ। फिर हार गए। हाय डार्सी, कहीं तुम फिर से कुछ भूल तो नहीं गई? अरे हाँ, हर बार कुछ ना कुछ तो भूलती ही हूँ, और इस बार तो घोंसला बनाना ही भूल गई। सबसे पहले पत्तियाँ इकट्ठी करो और कीचड़, ताकि वो एक साथ जुड़ी रहे। पत्तियाँ और कीचड़, याद आ गया, चलती हूँ, बाय। ओहो शेरखान, हमें वापस जाना चाहिए लाली। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम वापस जाएंगे तो उस शेरखान से ही टकरा जाएंगे, समझे मोगली? क्यों ना आगे बढ़े और नई जगह मस्ती करे। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओ प्लीज मोगली। ठीक है लाली, पर हमें सावधानी बरतनी होगी। हम नदी पार करके दूसरे इलाके में जाते हैं ताकि शेरखान को हमारी भनक भी ना लगे। ओ देखो मोगली, हम उस पेड़ से रास्ता पार कर सकते हैं। हाँ आराम आराम से बढ़ो ताकि उसकी नजर ना पड़े। अरे आराम से, अब यहाँ से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, चले आओ। कमाल का नजारा है, ऐसे नदी पार करने में तो बहुत मजा आएगा, क्यों ना मैं भी पार कर लूं? इस कुरकुरे पंछी को खाकर अपनी भूख बढ़ा लेता हूँ। मुझे मोगली को बताना होगा कि शेरखान उसके पीछे आ रहा है। सॉरी मोगली, मैं तुम्हें ऐसे डराना नहीं चाहती थी, पर शेर खान तुम्हारे पीछे है और वो इसी तरफ आ रहा है। तो क्या उसे हम दिख गए? अरे नहीं, अब हम खेल नहीं पाएंगे। लाली आसपास शेर खान है तो खेलने के बारे में तो भूल ही जाओ। हम उन झरनों के पास उन पत्थरों में छुप जाते हैं, शेर खान को हम नहीं दिखेंगे। मुझे ये भी ठीक नहीं लग रहा है लाली। ओ प्लीज मोगली, वो बूढ़ा शेरखान हमसे जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। पहाड़ी पार करके हम जंगल से सीधे बलू के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है तो फिर चलो। ये बात, देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। थोड़ा धीरे बोलो लाली। मुझे पत्तियाँ तो याद है, पर वो दूसरी चीज क्या थी जिससे मैं घोंसला बना सकती हूँ? कीचड़। वाह कितना अच्छा है ना। वाह झरने के पीछे जगह है। ओह नो, चलो आओ लाली झरने के पीछे छुप जाते हैं। हाँ? शेरखान तो झरने के पास ही है। घबराओ मत, वो ना हमें देख पाएगा ना उसे महक आएगी, क्योंकि बीच में पानी है। पत्तियाँ और कीचड़, याद रहेगा पत्तियाँ और कीचड़। मोगली, लाली, हम झरने के पीछे हैं। सुबह से लाली को ढूंढ रही हूँ, तुमने उसे कहीं देखा है बलू? एक मिनट सोचने दो। वो मोगली के साथ ही तो सुबह सुबह खेलने गई थी। उन्हें गए कई घंटे हो गए, उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। वाकई लेट हो गई रक्षा, लगता है हमें उन शैतानों को ढूंढने जाना पड़ेगा। शैतान यही आसपास ही है मोगली।
कैसे पता हम यहाँ अंदर हैं? शायद उसने मुझे देख लिया होगा। मैं भी उस चिड़िया की तरह इस झरने के पार जा सकता हूँ, पर कोई और रास्ता तो जरूर होगा। मुझे अभी गीला नहीं होना। दाजी, तुम जल्दी से जाकर बलू को एक मैसेज दे सकती हो? आसान बात बोलना, दाजी की भूलने की आदत पता है ना? मैसेज ध्यान से सुनो। मोगली फंस गया झरने में, शेर खान। झरना फंस गया शेर खान में? अरे नहीं नहीं नहीं, मोगली फंस गया झरने में, शेर खान। मोगली फंस गया झरने में, शेर खान। सही कहा, और अगर तुमने सही मैसेज दिया तो मैं खुद तुम्हारा घोंसला बनाऊंगा। अब चलो इधर से। यहाँ भी नहीं है बलू, उनकी सभी जगहों पर ढूंढ लिया पर कहीं भी उनका पता नहीं चल रहा। डार्सी, क्या बात है? मैं मोगली का मैसेज लेकर आई हूँ। बोलो ना। मोगली फंस गया है शेर खान में। मोगली शेर खान में फंस गया? ये क्या बक रही हो? हाँ, पर उसने तो ऐसे ही बोला था। उन्होंने जो मैसेज दिया तो आसपास क्या था डार्सी? मोगली और झरना और शेर खान। अरे नहीं, मुझे याद आ गया, मैसेज याद आ गया। जो था, मोगली फंस गया झरने में, शेर खान। जी, तुमने कमाल कर दिया। इंसानी बच्चे तो होशियार है पर शेर खान से ज्यादा नहीं हो सकता। झरने में पीछे से जाते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी आओ। हाँ? मेरे लिए मत रुको रक्षा, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। आगे बढ़ती रहो लारी। कैसे? ये पत्थर तो बहुत फिसल रहे हैं। मेरी वजह से हुआ, जब तुमने कहा था हमें वापस चले जाना चाहिए था। बस पहुंचने वाले हैं रक्षा, कहीं हमारे पहुंचने से पहले वो न पहुंच जाए। यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते लाली। जरूरत भी नहीं है। हाँ? जरूरत तो तुम्हारी भी नहीं है शेर खान, पर तुम्हें यहाँ से दफा कर दूंगा। हाँ, और मैं भी। इतना जोश दिखाने का कोई फायदा नहीं। तुम खुद यहाँ से दफा हो जाओ जंगली। हाँ? तुझे खाकर चला जाओ। अभी परेशान मत कर चिड़िया की बच्ची। ऊपर आ जाओ लाली, जल्दी जाओ। कामयाब नहीं होगा भुक्कर। मैंने उस शेर खान को नीचे गिरा दिया। अच्छा हुआ हम टाइम पर पहुंच गए, ये तो डार्जी ने बता दिया, वरना तुम दोनों शेर खान का खाना बन चुके होते। माफ करना बलू। असल में गलती मेरी है बलू, मोगली के कहने पर भी मैं वापस नहीं आई, मुझे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई पहली बार तो नहीं है जब तुम दोनों ने ऐसी मुसीबत मोल ली हो, मोगली और लाली। शैतानियों का डबल डोज, वो भी सुबह शाम दिन रात।
बहुत प्यास लगी है। सुना है तालाब का पानी भी सूख गया है। हाँ। पर थोड़ा बहुत तो बचा ही होगा। हाँ, जब भी सूखा पड़ता है सभी जानवरों में पानी बराबर बढ़ता है, यही जंगल का कानून है। सूखे के वक्त तुम जानवरों से पानी का हक नहीं छीन सकते शेर खान। इस जंगल में मेरी चलती है बरखुरदार, इसलिए ये फैसला भी मैं ही करूँगा। क्यों ना मैं अपना गला गीला करके तुम्हारी मदद कर दूं शेर खान। हाँ ठीक है। ये तो नाइंसाफी है शेर खान, ये सब करके आखिर तुम्हें मिलेगा क्या? चाहता तो बहुत कुछ हूँ, पर अगर तुम्हें पानी ही पीना है तो कीमत चुका दो। और बताओगे पानी की क्या कीमत लगाई है? इंसानी बच्चा। उसे मुझे दे दो और बदले में जितना चाहो उतना पानी पी लो। मुझे अपना बलिदान देना ही होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो बाकी सभी प्यासे मर जाएंगे। वो तो है मोगली, पर शेर खान की ऐसी शर्त नहीं मानी जा सकती, ये नाइंसाफी है। अगर किसी तरह शेर खान को लालच देकर पानी से दूर ले जाया जाए तो? उसे एक ही चीज से ललचाया जा सकता है और वो है मोगली। अरे हाँ बलू, इससे तो सारी परेशानी सुलझ जाएगी। हाँ, मुझ पर भरोसा रखो बलू, मैं जानता हूँ थोड़ा जोखिम भरा काम है, पर मुझे यकीन है हम सब की भलाई इसी में है। इस नारियल पानी से थोड़ी ताकत मिलेगी। चलो दोस्तों, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। तो क्या फैसला किया है? अपने दोस्तों के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हो? और क्या कर सकते हैं? जानता था दो दिन प्यासा रहने के बाद तुम सही फैसला लोगे। बस बस, अब बातें बंद करो, मुझे ले जाओ और इन सबको पानी पीने दो। दिल हो तो इंसानी बच्चे जैसा, बाकी सभी आंखें बंद कर लो क्योंकि नजारा भयानक होगा। डायलॉग बाजी बंद करो, अगर मुझे खाना है तो मुझे पकड़ना होगा। हमें उसकी मदद के लिए जाना होगा। अरे नहीं, मोगली ने सारी तैयारियां की हुई हैं। उसका प्लान काम करेगा ना? सब दुआ करो मोगली सुरक्षित लौट आए। Ha 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 ha!
मोगली, लाख लाख शुक्रिया। आज शेर खान को नानी दादी और मौसी भी याद दिला दी। तो चलो अब चैन से पानी पीते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। मुझे तो बाहर निकालो प्लीज शेरखान, प्लीज। पानी से दूर रहना। बोलो किसी और को प्यास लगी है? नहीं तो। कोशिश अच्छी थी इंसानी बच्चे, पर अफसोस काम नहीं आई। वही तो, भला मैं तुम्हारे सामने किस खेत की मूली हूँ शेर खान? लेकिन मोगली वो... नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा बघीरा। मुझे खुद को शेर खान को सौंपना ही होगा, जो काम शायद मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। देर आए पर दुरुस्त आए बरखुरदार, अब चलो। बस एक बात शेर खान, एक आखिरी बात कहनी है। अब क्या रह गया? मैं अपने दोस्तों को अलविदा कहना चाहता हूँ, इसके बाद वो मुझसे कभी नहीं मिल पाएंगे ना। हाँ ठीक है, जाओ, पर जल्दी से मिलकर आ जाओ। मोगली तुम ये नहीं कर सकते। देखो मोगली, हमारा साथ यहीं तक था। तुम ये क्यों कर रहे हो मोगली? तुम्हारे बदले मैं चला जाता हूँ। तुमसे बात नहीं बनेगी बघीरा, शेर खान सिर्फ मुझे चाहता है। बाय बाला, ख्याल रखना लाली, तुम दोनों की बहुत याद आएगी। अलविदा की, जाने का वक्त हो गया। अब बहुत हो गया डेली सोप का ड्रामा, अब होगा कुकरी शो। बारिश हो गई। बारिश हो गई। सूखा खत्म। तुम्हारे दिमाग को मान गए मोगली, पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होगी? इंसानों में एक बात मशहूर है बलू, आसमान हो साफ तो डरने की नहीं बात, पर सुबह आसमान लाल तो बारिश का है पैगाम। मुझे पता था बारिश जरूर होगी। अच्छा, तभी तुम मिलने में इतना वक्त लगा रहे थे? हाँ, ताकि जल्दी से बारिश हो जाए। पर तुमने हमें अपने प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया मुगली? मुझे भी पूरा अंदाजा नहीं था कि ये काम करेगा, इसलिए सोचा जब होगा पता चल ही जाएगा। और शुक्र है वो काम कर गया। अब चलो पानी के मजे लिए जाए। बलू, अभी बरसात शुरू ही हुई है। बचाओ, कोई आसपास है क्या? कोई तो भलाई कर दो। शेर खान, पता था तुम जरूर आओगे, तुम्हारे जैसा दोस्त आज तक नहीं देखा। ज्यादा सर मत चढ़ना तबाकी, क्योंकि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, वो तो मैं तुमसे कभी कभी अपना काम करवाता। पानी से एलर्जी है मुझे।